और चलिए शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान और ईरान की सेनाओं के बीच। बॉर्डर पर रविवार को भीषण गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 3 सैनिकों की मौत की खबर है। बताया ये गया है कि इसमें 2 ईरान और 1 तालिबान के सैनिकों की मौत हुई है। आपको ये बता दें कि दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर विवाद है, जिसे लेकर 2 देशों की सेनाएं आपस में भिड़ गई हैं। और ईरान के मीडिया की अगर माने तो इस गोलीबारी के बाद ईरान ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया है। जबकि तालिबान के एक कमांडर ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो 24 घंटे में तेहरान पर जीत हासिल कर लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। आपको बता दें एक बार फिर से अफगानिस्तान और ईरान की जो लड़ाई है वो खुलकर देखने को मिल रही है, और अब की बार ये बॉर्डर को लेकर नहीं बल्कि बॉर्डर पर मौजूद जो हेलमंड नदी है उसमें पानी को लेकर हुई है। और ऐसे में अब अफगानिस्तान की ओर से वहां पर तालिबान की सरकार प्रिवेल करती है, और उसी सरकार की ओर से इस बात का दावा किया गया है कि अगर ईरान नहीं झुका, ईरान नहीं माना तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम ईरान को फतह कर लेंगे और तेहरान में तालिबान का कब्जा होगा। अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी हुई है जिसमें आपको बता दें कि तालिबान के सैनिकों की मौत हुई है। दोनों देशों के बीच हेलमंद नदी के पानी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और जिसे लेकर 2 देशों की सेना इस वक्त आपस में भिड़ चुकी है। ईरान के मीडिया से भी ये खबरें निकलकर सामने आई हैं। इस गोलीबारी के बाद से ईरान ने अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगा दिया है, जबकि तालिबान के एक कमांडर ने यहां तक चेतावनी दे डाली है कि अगर ईरान ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो 24 घंटे में तेहरान पर जीत हासिल कर लेंगे। तो अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी के बाद अब और ज्यादा टेंशन दोनों ही देशों में बढ़ती जा रही है, और जब से खासकर अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद से तालिबान की सरकार आई है, उसके बाद से ईरान और अफगानिस्तान की जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ऐसे में मुल्ला बरादर की ओर से भी कई बार ईरान को धमकियां दी जाती रही हैं, और ऐसे में अब पानी को लेकर ये नई झड़प देखने को मिल रही है।